Welcome to new lesson. This is lesson number 2. आज के लेसन में हम बात करेंगे अबाउट ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर. ठीक है जी, ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर्स के बारे में हम बात करेंगे. देखो, अगर आपको ईमेल मार्केटिंग करनी है, अगर आपको मास मेलिंग करनी है, तो हम जीमेल या फिर आपका याहू मेल या ऐसी जो सर्विसेज हैं, इनका यूज नहीं कर सकते. ये जो सर्विसेज हैं, जीमेल, याहू मेल, रेडिफ मेल, इस टाइप के जो सर्विसेज हैं, ये पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए बनी है. मेरी आपसे कम्युनिकेशन, वन टू वन कम्युनिकेशन, ऐसे कम्युनिकेशन के लिए बनी है. ये सारी चीजें मास ईमेलिंग के लिए, ईमेल मार्केटिंग के लिए नहीं बनी हुई. ठीक है, तो अगर आपको ईमेल मार्केटिंग करनी है तो इनका यूज नहीं हो सकता. तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर का यूज करना पड़ेगा. ठीक है, अब मार्केट में बड़े सारे ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर. ठीक है, कुछ का मैं आपको नाम बता देता हूं, फिर मेरा फेवरेट कौन सा है मैं वो बता दूंगा. एक्टिव कैंपेन है ईमेल मार्केटिंग का सॉफ्टवेयर मार्केट में. एक जिसका आप लोगों ने नाम पक्का सुना होगा वो है मेलचिम्प. ठीक है, इसके अलावा आपके पास है सेंडिनब्लू, और भी बड़े सारे हैं, बहुत ही ज्यादा, मतलब 50-100 से ऊपर ईमेल मार्केटिंग के सॉफ्टवेयर इस समय मार्केट में हैं. अब जो मेजॉरिटी ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, दो तरीकों से काम करते हैं सारी ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर. पहला तरीका क्या होता है कि वो आपको 1000 ईमेल्स पर मंथ ये फ्री दे देते हैं और आप इसका यूज कर सकते हो. दूसरा तरीका क्या होता है, वो कुछ दिन का आपको फ्री ट्रायल देते हैं, उसके बाद आपको उनका पेड प्लान लेना पड़ता है. ठीक है, अब देखो मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आपको कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना है, इट्स योर डिस्क्रिप्शन, बट ये जो कोर्स है वो मैं आपको समझाऊंगा यूजिंग एक्टिव कैंपेन. अब ये पॉसिबल नहीं है हमारे लिए कि हम हर ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर को का यूज करके मैं आपको ये ईमेल मार्केटिंग सिखाऊं, दैट्स नॉट पॉसिबल. ऐसे 500 लेसंस का ये ईमेल मार्केटिंग का कोर्स हो जाएगा. तो हम कौन सा टूल यूज करेंगे, हम यूज करेंगे एक्टिव कैंपेन. अब ये जो एक्टिव कैंपेन है इसमें 14 दिन का मेरे ख्याल से ट्रायल पीरियड है, राइट. तो 14 दिन आप फ्री में यूज कर सकते हो, उसके बाद इसके पेड प्लान है ना, और जो पेड प्लान है वो बड़े सस्ते से स्टार्ट होते हैं. आई बिलीव $15 या $20 पर मंथ से इसका पेड प्लान स्टार्ट होता है. तो $20 कितना हुआ, 1400-1500 रुपए. ठीक है, इतना तो आप खर्च कर ही सकते हो अगर आप एक बिजनेस रन कर रहे हो या किसी और के लिए आप एज अ डिजिटल मार्केटर काम कर रहे हो. अब एक्टिव कैंपेन से ही क्यों हम सीखेंगे, एक्टिव कैंपेन से ही हम इसलिए सीखेंगे क्योंकि मैं क्या यूज करता हूं, एक्टिव कैंपेन. और एक्टिव कैंपेन मार्केट में जितने ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, मैंने ऑलमोस्ट सारे ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर्स ट्राई किए हैं और एक्टिव कैंपेन उनमें से बाय फार दी बेस्ट ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर्स है, सॉफ्टवेयर है. मैं लाखों हजारों ईमेल्स, लाखों ईमेल्स तो नहीं और हजारों ईमेल्स तो मैं भेज ही चुका हूं यूजिंग एक्टिव कैंपेन. बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है और आप आसानी से इसको यूज कर सकते हो. जब भी आप ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हो तो उसमें आपको क्या जरूरत है देखने की, एक तो उसमें ऑटोमेशन के फीचर्स हैं कि नहीं, क्या क्या उसमें ऑटोमेशन है. आप एक्टिव कैंपेन में देखोगे बहुत ही जबरदस्त ऑटोमेशन के फीचर्स हैं जो कि आप आसानी से यूज कर सकते हो. ठीक है, तो हम सीखेंगे एक्टिव कैंपेन. प्लस एक चीज मैं आपको और बताऊंगा कि मार्केट में बड़े सारे आपको और सॉफ्टवेयर मिलते हैं जो सस्ते थोड़े होते हैं और जिनसे आपको आप मेल्स भेज सकते हो, बट आई विल नॉट रेकमेंड यू कि आप उन सॉफ्टवेयर्स को यूज करें. उनके साथ बड़ी प्रॉब्लम है, एक तो जो आपकी ईमेल डिलीवरेबिलिटी है वो भी उन सॉफ्टवेयर्स में बड़ी कम होती है. एक्टिव कैंपेन में पर्सनली मैंने देखा है कि डिलीवरेबिलिटी अच्छी है, ज्यादातर टाइम ज्यादातर ईमेल्स इनबॉक्स में ही जाती हैं. और इनबॉक्स में ईमेल क्यों नहीं जाती, क्यों, उस पर हम या प्रमोशन में जाती हैं और उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हो, ये भी मैं आपको आगे के लेसन्स में बताऊंगा. ठीक है, तो जस्ट इस लेसन से आपको दो चीजें सीखनी है. एक, ईमेल मार्केटिंग करने के लिए हमें एक ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर चाहिए, जीमेल याहू मेल हम यूज नहीं कर सकते. और दूसरा, हमें क्या यूज करना है, हम जो सॉफ्टवेयर यूज करेंगे वो है एक्टिव कैंपेन.
और ये जो है आपका, ये बाई फार दी बेस्ट ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर है मार्केट, ठीक है जी। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस लेसन, कल मिलेंगे एक नए लेसन के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।